हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मा जवान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई बिस्किट। आज हम देखेंगे हम ओवन में कितने आसानी से बाजार जैसा बिस्किट बना सकते हैं घर में ही। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बॉल के ऊपर इस तरह से एक छन्नी रखेंगे, उसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप बेसन और ये 2 टेबल स्पून सूजी। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सबको हम अच्छे से छान लेंगे, इस तरह से इसको छान लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, यहाँ पे मैं 3/4 कप ली हूँ, आप चाहे तो 1 कप भी ले सकते हैं आपके स्वाद के हिसाब से। इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। अभी हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमको सबको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून के आसपास। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और साथ में हम इसमें मिलाएंगे 3 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड बटर, जो आपको पसंद हो वो यूज़ करें। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमको एक नरम सा डो बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमारा डो जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये कुछ इस तरह से बनेगा डो। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। हमको इसके लिए कुछ चाहिए चॉप नट्स। यहाँ पे मैं खाली आलमंड नहीं हूँ चॉप करके, आप चाहे तो मिक्स्ड नट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के करीब ली हूँ नट्स। अभी हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसके ऊपर हम एक बेकिंग पेपर इस तरह से डाल देंगे। अभी हम बेकिंग पेपर को घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हमारा बेकिंग ट्रे ग्रीस हो गया है। अभी हम नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी के साथ, घी या बटर के साथ इस तरह से। अभी हम थोड़ा सा पोर्शन इसका लेंगे, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा रोल करके इस तरह से एक बॉल जैसा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको सारे नान खटाई को बना लेना है। थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके इसको हाथों में इस तरह से रोल कर देंगे और इस तरह से इसको गोल बना देंगे। ये देखिए, चलिए इस तरह से सबको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे नान खटाई हम रोल करके बना के रख दिए हैं। अभी हम इस तरह से मिडिल में थोड़ा सा उंगली के सहायता से इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से, अभी हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा के इसको हल्के से इस तरह से दबा लेंगे। इस तरह से हम सारे नान खटाई को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारे नान खटाई तैयार कर लिए, अभी हम इसको बेक करेंगे। अभी हम इसको एक प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड में 18 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे हमारा देखिए नान खटाई बेक हो रहे हैं, और अभी हमारे बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से बिस्किट बन गए हैं। ये देखिए, पीछे से भी एकदम अच्छे से बेक हो गए हैं, दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से बेक हुए हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये देखिए तोड़ के देखेंगे हम, ये कितने अच्छे से इसका टेक्सचर बन गया है, अंदर से एकदम क्रिस्पी बना है। उम्मीद है सबके रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।